दोस्तों, आज हम आपको हरी चटनी बनाना सिखाएंगे और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसके लिए हमें जो जो चीजें चाहिए आपको बताते हैं। ये हमने हरा धनिया लिया है, ये हमने मोटा मोटा काट लिया है, ये लहसुन है, यहाँ अदरक है, यहाँ लहसुन की पत्तियां हैं आप देख सकते हैं, और ये मलवे की पत्तियां हैं, मैंने हाथ में लिया है। आप अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ ये हरी मिर्च और हरी प्याज और नमक स्वाद अनुसार। अब हम आपको चटनी बनाना सिखाएंगे। अगर आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी, नहीं तो ये सिल पत्थर पे भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनने वाली है। अब हमने पहले धनिया डाल दिया, मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूंगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बना रही हूं। मैंने प्याज डाल दी, अब हमने अदरक डाला है, अब हमने ये मलवे के पत्ते डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात। और ये हरी लहसुन है, हरी पत्तियां। अब हम हरी मिर्च डालेंगे, और ये खाने में दोस्तों बहुत स्वादिष्ट होती है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अब हम बनाएंगे, वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। आप इसे बिल्कुल भी ज्यादा बारीक बिल्कुल ना करें दोस्तों, इसे थोड़ा मोटा मोटा रखें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, आप देख सकते हैं ये बनके बहुत सुंदर, बनके बहुत अच्छी तैयार हुई है। और आप इसे किसी बर्तन में करके रख सकते हैं, और कम से कम भी नहीं तो 1 सप्ताह इसे चला सकते हैं। फ्रिज में आप रख दीजिए, जो बाहर वर्कर काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिशियल वर्कर, वो रोज रोज ये चीजें बना नहीं सकते, एक बार आप बना ले 1 सप्ताह तक चल जाएगी। खाने में बहुत स्वादिष्ट है, मैं अभी आपको ये खाने के लिए पूरी तैयार है। किसी भी चीज से आप खाइए, पकौड़ों से खाइए, परौंठे से खाइए, खाने के साथ, सब्जी के साथ। अब हम किसी बर्तन में डाल लेते हैं, वाओ यम्मी, बहुत टेस्टी है, आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।